हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हो गौरव हिंदुस्तानी। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग है कि अगर कोई भी बंदा प्लांट में काम करना चाहता है तो प्लांट में एंट्री यानी गेट पास बनने के लिए प्रोसीजर क्या है, आप कैसे काम करता है। सबसे पहले हम मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल कराने के बाद इंडक्शन करवाते हैं, यानी कि वो सेफ्टी से रिलेटेड कोई टॉपिक पे बात होता है कि अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ पे फैब्रिकेशन है, इंडक्शन है, हाइट पे काम है, स्पेशलिटी के काम है, मैकेनिकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम है। तो आपको हर एक काम को सेफ्टी से करना है, तो उसके बाद वो सेफ्टी इंडक्शन होता है। और फिर उसके बाद फिर एक छोटा सा एक इंटरव्यू होता है, आपका जो साइट पे इंजीनियर है तो वो इंजीनियर जो भी जिस भी डिजिग्नेशन पे आप आ रहे हो, या तो इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र हो या फिर आप रीगर हो, ग्राइंडर हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसका एक इंटरव्यू होता है कि आपने पहले काम किया है, कहाँ किया है या काम कैसे होता है, काम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का ये मेरा ब्लॉग है, तो देखिए और साहित्य मेरा ब्लॉग, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूँ। डब्ल्यू आ गया जी, आ गया। और हमारा डब्ल्यू तैयार है, तैयार है। खाने डब्ल्यू कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, रेडी है? आई एम रेडी। अभी आया हूँ डब्ल्यूएफ लेकर के मेडिकल कराने के लिए। एक्चुअली एक प्रोसीजर है कि प्लांट में अरे फैक्ट्री में काम करने से पहले आपको मेडिकल करा के देना पड़ता है, या कोई भी कंपनी में एंट्री करने से पहले मेडिकल कराना पड़ता है। हम अभी आए मेडिकल कराने के लिए, बालाजी यहाँ पे है और ये है रिफाइनरी, ये है नायरा, ये है रनिंग प्लांट है, और हम लोग भी आए हैं मेडिकल कराने के लिए। एक्चुअल हम लोगों का मतलब डब्ल्यू बी का मेडिकल हो गया है और मेडिकल का सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो डब्ल्यू बी मेडिकल में पास है और ये फिट है। मेडिकल आ गया है, बालाजी लेबोरेटरी का मेडिकल आ गया है और मेडिकल में फिट है। तो इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद फिर वो सेफ्टी के लिए जाएंगे और इंडक्शन होता है। इंडक्शन में सेफ्टी से बताएगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो ये है अपना नायरा डोलिया, नायरा एनर्जी ही है, यही पहले एसआर था, समझे है? जो बोला था पानी के लिए, तो बोले यही एसआर था, एसआर इसको बेच दिया है। साथ में काम करेंगे और हमारा कंपनी में डब्ल्यू बी का ज्वाइनिंग हुआ है, मतलब आज फर्स्ट डे है। आज पूरा जो भी प्रोसेस था गेट पास बनाने का जो भी था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और हम लोग बाकी का जो प्रोजेक्ट है वो बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। डब्ल्यू बी को एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, साइड बेड करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या आपको डेट पर क्या क्या चल रहा है और हम लोग का एक्टिविटीज़ क्या है। तो हम लोग का क्या
तो सैड वीडियो में दिखा रहा हूँ कि हम लोग का जो काम है वो एक्चुअली पाइपलाइन का काम है। तो पाइपलाइन का काम में क्या क्या करना है, हम लोगों को क्या देखना है। प्लांट में तो बहुत तरह का काम होता है, जब सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें मैं विजिट करवा रहा हूँ कि जो अपना काम क्या है, अपना जो स्कोप है वो क्या है। तो स्कोप अपना दिखा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, हम लोग साइड देख रहे हैं कि साइड पर एक्चुअली क्या क्या काम करना है, हम लोगों का क्या काम है। बोल भैया साइट आपको देख लेना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग का है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। उसको बनना है क्या क्या काम है। हम लोग का काम पाइपिंग का है, स्ट्रक्चर का है, ठीक है, पाइपिंग स्ट्रक्चर का, हाँ पाइपिंग स्ट्रक्चर का काम है, ठीक है। या पेंटिंग हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, ठीक है। तो हम लोग का हर तरह का काम है, तो आपको पूरा साइट डेट कल भी करवाएंगे आपको, ठीक है। और आज डब्ल्यू बी ए का फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में डब्ल्यू बी ए को मिला है अंडरग्राउंड पाइप एरिया की कलवर्ट एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डब्ल्यू बी ए के अंदर मिला है टोटल कितना मैन पावर मिला आपको डब्ल्यू बी ए है, टोटल कितना मैन पावर आपके अंडर में? पाँच मैन पावर, यानी कि एक गैंग के साथ डब्ल्यू बी ए को मिला है अंडरग्राउंड पाइप का। अब पहला दिन है, तो पहला दिन है डब्ल्यू बी ए का और अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम मिला है। तो डब्ल्यू बी ए बताओ कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस बताओ। हाँ बढ़िया लग रहा है, हाँ काम कैसा है, टफ है? पहला दिन में कहा कहेंगे ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। Thank you.